कोहिस्तान के मौजूद अशखास के वफद की कोहिस्तान में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से चेयरमैन कौमी अकलीती कमीशन पाकिस्तान चेलाराम केवलानी के दफ्तर आमद वफद में मुखी भेरोमिल मंगलदास नवानी अशोक कुमार नवानी आलमचंद नवानी मुखी गोपाल दास प्रेमचंद और दीगर शरीक हुए। चेलाराम केवलानी की जानिब से तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफद की जानिब से चेलाराम केवलानी को बलदियाती इलेक्शन में हमायत करने की दरख्वास्त की गई। चेलाराम केवलानी ने वफद के मंशूर को सराहा और उनकी कोहिस्तान के लिए खिदमत वाली सोच की तारीफ भी की। इंतखाबात सिर्फ एक दिन के होते हैं पर हमारा कोहिस्तान के लोगों से रिश्ता हमेशा का है। मेरे लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार काबिल एहतराम हैं पर आईने पाकिस्तान के मुताबिक वोट सिर्फ एक ही उम्मीदवार को दे सकते हैं पर मैं समझता हूँ कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। हमें इससे हट के हमेशा साथ रहकर कोहिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। चेलाराम केवलानी ने कहा है कि मैं तमाम उम्मीदवारों को एक ही पैगाम दूंगा कि हार होगी या जीत होगी वो बाद में होगी, फिलहाल कोहिस्तान से वफा होगी और सरेआम होगी। और एक अहम पैगाम, जो भी जीते पर जीतने के बाद उसके पहले तरजीह कोहिस्तान की तरक्की हो। तरक्याती कामों को अवलीन तरजीह देनी होगी क्योंकि कोहिस्तान तरक्याती कामों से महरूम है। कोहिस्तान के हर एक बुनियादी मसलों से हम सब वाकिफ हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी से कुछ छुपा नहीं हुआ। बेओहदे आज हैं कल नहीं होंगे पर हमने हमेशा कोहिस्तान में रहना है और हमारा बेओहदा जो हमें जन्म से मिला हुआ है, हम कोहिस्तानी हैं, वो ओहदा ता कियामत हमारे पास रहेगा। इसलिए नौजवान आगे आएं, कोहिस्तान की खिदमत में दिन रात एक करना हम सबका फर्ज है। चेलाराम केवलानी की जानिब से तमाम मेहमानों को सकाफती लंगे का तोहफा पेश किया गया और दफ्तर आके इज्जत अरमान बख्शने पर शुक्रिया अदा किया।